हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ शमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शमास कॉर्नर। आज का जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ऑल्सो ये आपके डेली स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि है होम मेड DIY नाइट सीरम वीडियो। मैं ख़ुद इसे लास्ट 1 मंथ से ट्राई कर रही हूँ, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बनाकर आप लोग के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगी कि ये क्रीम आपको कब लगानी है और इसे लगाने का तरीका क्या है, और इस क्रीम को कौन कौन से स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी अपकमिंग वीडियोज़ डालूँ उन सभी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फेस्टिव सीज़न आने वाला है, लाइक दिवाली आने वाली है, तो आप सभी अपने स्किन को अभी से पैम्पर करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, उसके लिए आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से घर पे ही अपने स्किन को कैसे ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरम को कौन कौन से स्किन टाइप के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जिनको डार्क स्पॉट आ जाते हैं एक्ने के बाद, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे भी एक्ने के स्कार्स आ गए थे, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये सीरम मेरे फेस के लिए। ऑल्सो इसे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे जिन्हें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन है अपने फेस का, उसे ये लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इसे मैं इसको बनाने के बाद आपको बताऊँगी कि इससे आप कैसे स्टोर कर सकते हैं और ये कितने दिन के लिए आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और हाँ फ्रेंड, इसे लगाने के लिए आप लोग क्या सोचते हो ना कि हमने मतलब फेस वॉश कर लिया तो मेरा फेस लाइक क्लीन हो गया, अब मैं उसमें कुछ भी मतलब अप्लाई कर सकती हूँ नाइट क्रीम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग मिल से क्लीन करना होगा। आप लोग सोचते हो कि मैंने कौन सा मेकअप लगाया है या कौन सा मतलब मेरे चेहरे पर ज़्यादा सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको रात को सोते टाइम फेस वॉश के बाद अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना चाहिए किसी भी अच्छे क्लींजिंग मिल्क से, और या तो आप होममेड क्लींजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है ना, आपके स्किन के जो भी पोर्स के अंदर भी जो डर्ट होती है ना, वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है, और ये काम आपको रेगुलर करना होता है। उसके बाद आप अपने चेहरे का मतलब अपने फेस का रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके फेस का रिज़ल्ट। तो आप ये चीज़ कभी स्किप मत कीजिएगा, और जो मैंने ये सीरम बनाया है इसे भी आप सेम इसी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद उसे किसी भी क्लींजिंग मिल से आप उसे अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद ये जो मैंने सीरम लगाया है वो अपने आप पूरे ऑल ओवर द फेस पे आप मतलब लगाएंगे, और पूरी रात के लिए उसे अपने फेस पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको एक हफ्ते में ही रिज़ल्ट देखना को मिल जाएगा। आपके स्किन में जो डार्क स्पॉट होंगे या जो भी आने वाले स्किन टोन होगी, वो सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं अपना नाइट सीरम। और उसे बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया है 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, और मैंने जो इसमें एलोवेरा जेल यूज़ किया है वो मार्केट का यूज़ किया है। अगर आपके पास घर में भी एलोवेरा जेल अवेलेबल हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ऑफ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर एक्ने को कंट्रोल करता है, ये हमारी स्किन सरफेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करके फॉर्मेशन ऑफ एक्ने को रिड्यूस करता है। रोज़ वाटर हमारी स्किन की इरिटेशन और रैशेस को दूर करता है, ऑल्सो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी कोकोनट ऑयल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और कोकोनट ऑयल क्या करता है, हमारे स्किन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं ना, ये उसे किल करता है। इसमें मौजूद लॉरिक एसिड कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और कोलेजन क्या करता है, हमारी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है, और जिससे कि फाइन लाइंस और जो रिंकल्स होते हैं उसे बचा हो जाता है। और ऑल्सो जो कोकोनट ऑयल होता है वो डार्क पैचेस को दूर करने में भी हेल्प करता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन।
और आपको इस तरह से लेमन इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेमन क्या करता है, हमारी स्किन में जो एक्ने स्कार्स आ जाते हैं, जो डार्क स्पॉट वगैरह आ जाते हैं, ये उसे रिड्यूस करता है और हमारी स्किन के जो कोलेजन होते हैं वो उसको इंक्रीज करता है और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो ये हमारी स्किन में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ये उसे दूर करने में हेल्प करता है और जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं फेस पे हमारे, ये उसे भी दूर करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन सब चीज़ों को एक बाउल में लेके मिक्स कर लिया है। इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो सीरम है, नाइट सीरम, वो रेडी हो चुका है। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो और इसे आप 1 वीक के लिए ही स्टोर करके रखना और इसे रेगुलर अपने स्किन में लगाना, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपके स्किन पे ये कितनी हद तक मतलब अच्छा रिज़ल्ट आपको मिला है। तो इस तरह से मैं इसे जो है एयरटाइट कंटेनर में डाल ले रही हूँ और आपको इस तरह से डाल लेना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर का भी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि पूरा का पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ही मैंने बनाया है। आप उसको भी जाकर के देख लेना, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी, आप वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। एंड देन अब मैं इसे अपने हैंड पे लगा के दिखाऊँगी कि ये कितना अच्छा स्मूथ बना हुआ है और कितनी जल्दी ये इस तरह से शाइन करता है स्किन को। और रेगुलर यूज़ से आपको खुद इसका जो रिज़ल्ट है वो पता चलने लगेगा और 7 डेज़ में ही आपको फ़र्क जो है अपने फेस का महसूस होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने पूरे हैंड पे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।